Welcome, welcome, welcome. Welcome to my channel for Need Biology, and today we shall discuss about amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom, that is, bryophytes, we are preparing in a step by step every page of NCRT, discussing elaborately in every respect so we can cr crack properly. the neat exam so let's start the amphibians of plant kingdom bryophytes most important traits are there kya kya hai isme dekhte hain yahan pe hai isko bolte hain amphibians of plant kingdom kyunki ye hai land forms ये जमीन में होते हैं लेकिन इसकी sexual reproduction के लिए इसकी sperm motility के लिए इसकी sperm को movement करने के लिए water जरूरी है इसीलिए इसको water without water ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता सो so, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लान किंगडम क्योंकि एम्फीबियंस का ट्रेड है ये कि विदाउट वाटर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो ब्राउफाइड्स है ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बेयर एरिया होता है सडन लैंडस्लाइड्स हुआ कोई भी न्यू एरिया डेवलप हुआ रॉक में रॉक की सरफेस में जो डेवलप होना है रॉक की सरफेस में हमको मालूम है फर्स्ट जो आते हैं कोई बेयर एरिया में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का पायोनियर इन्वेडर्स हैं पायोनियर्स जो हैं वो होते हैं लाइकेस और ये ब्राफाइट में मॉसेस सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट द मॉसेस एंड विदाउट लाइकेंस नो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नॉट पॉसिबल इन ए बेयर एरिया कोई भी जो जगह है उस जगह में इकोलॉजिकल सक्सेशन संभव ही नहीं है अगर मॉसेस नहीं है तो इसकी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और क्या है ये सैंडविच्ड है सैंडविच मतलब इसके नीचे है इसके ऊपर है टेरिडोफाइट्स। सो so, ये इन बिटवीन स्ट्रक्चर डिवीजन है जिसकी ऊपर है ये टेरिडोफाइट्स से थोड़ा प्रिमिटिव ट्रेड्स है इसमें और थैलोफाइट्स से थोड़ा इंप्रूव्ड ट्रेड्स है इसमें सो so, ये इन बिटवीन इज इट्स अ सैंडविच्ड

ये फंक्शन करते हैं रूट की जैसे लेकिन रूट नहीं है क्योंकि इसका कोई भास्कुलराइजेशन नहीं है कोई जायलेम भी नहीं है फ्लोएम भी नहीं है कोई डेवलप्ड टिश्यू भी नहीं है तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हैं लिवर वर्ड्स में हम देखेंगे ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये रायजॉयड्स इसको रूट्स नहीं रेजॉयड्स बोलते हैं सो so ये बहुत ही ये वेंट्रल सर्फे से होते हैं हम जो लीवर वर्ड्स देखेंगे लीवर वर्ड्स हैं डॉसोवेंटली फ्लैट एंड ये चिपक जाते हैं ऐसे और ये जो लीफी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लीफी स्ट्रक्चर ये मॉस में दिखा जाता है यहां पे क्या है रूट लाइक स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक हैं लीफ लाइक लाइक स्टेम सो दीज आर द गैमेटोफाइटिक बॉडी मालूम है इसकी जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर ये सारे फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं क्योंकि इसका क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल भी है यहां पे सो so, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है ये ये जो बॉडी है प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी इज ए गैमेटोफाइटिक सो ये लोअर uh, जो प्लांट्स है इसका मेजर पार्ट गैमेटोफाइटिक होते हैं दैट इज और है स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पोरोटिक दैट इज ये गैमेटोफाइटिक बॉडी क्यों बोलते हैं गैमेट बेयरिंग बॉडी यहां मेल गैमेट ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है ये मेल गैमेट बेयर करेंगे ये फीमेल गैमेट को बेयर करेंगे ये मेल गैमेट बेयर करेंगे क्या ये मेल गैमेट मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स और ये मेल गैमेट जहां पे होते हैं ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एंथेर अन्थेर, एंथेरेडियम ये एंथेरेडियम का स्ट्रक्चर है जहां पे स्टॉक देख रहे हैं ये यहाँ पे डेवलप होता है छोटा सा माइन्यूट और इसका एक स्टेराइल जैकेट होता है ये जैकेट ये स्टेराइल सेल्स आर एबसेंट ये स्टेराइल सेल हमने एल्गी में नहीं देखा था सिर्फ कारा में थोड़ा बहुत था लेकिन बाकी कोई भी मेंबर में स्टेराइल मेंबर नहीं देखेंगे स्टेराइल सेल नहीं देखे थे लेकिन यहाँ पे हम देखें स्टेराइल जैकेट है ये इंपॉर्टेंट इम्प्रूव ट्रेड है तो उसके अंदर क्या है स्पाम मदर सेल ये हेप्लॉयड है ये स्पाम मदर सेल क्या है स्पम मदर सेल से स्प बनते हैं और स्पाम्स का ये ये फ्लाजिला भी है फॉर स्विमिंग पर्पज तो फ्लाजेला विल मूव ये ये मेल प्लांट से क्या है एंथ्रेडियम है एंथ्रेडियम से एंथेरोजॉइड्स निकल गया एंथेरोजॉइड्स निकल के कहाँ जाएंगे हुँ? ये जो फीमेल पार्ट है फीमेल प्लांट है फीमेल प्लांट में आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गेन एंड और आर्चिगोनियम में क्या है नहीं इसका तीन पार्ट है ये वेंट्रल रीजन है वेंट्रल रीजन ये है नेक कैनल सा पोर है उसी से स्पॉम यहां अंदर घुसता है ये नेक नेक रीजन में नेक सेल आफ्टर फ्यूशन दोनों के एक साथ मिलने के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा उसको जायगोट बोलेंगे और जायगोड से स्टार्ट होता है स्पोरोफाइटिक बॉडी और जायगोट से क्या डेवलप होता है एम्ब्रियो डेवलप होगा और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद ये एक स्पोरोगोनियम लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम बोलते हैं ये स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप होगा ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है ये स्पोरोफाइटिक बॉडी का ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है लेकिन ये स्पोरोफाइटिक बॉडी बाहर नहीं होगा यहीं पर डेवलप हो जाएगा दैट इज ये फीमेल ये जो फीमेल प्लांट है ये आर्चिगोनियाल में ही यही कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइटिक बॉडी में तो स्पोरोफाइटिक बॉडी कोई दूसरा प्लांट नहीं है ये यही में स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो गया ये अर्चिगोनिया में स्पोरोफाइटिक बॉडी में कन्वर्ट हो गया और यही से स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या डेवलप करेगा वो मेयोसिस की दौरान इस पहले एम्ब्रियो बनेगा उसके बाद मेयोसिस के दौरान क्या करेंगे मल्टीपल स्पोर्स डेवलप करेंगे और मेयोटिक स्पोर्स ये स्पोर्स एप्लायड है हैं फिर सो फिर गैमेटोफाइटिक बॉडी बन गया ट इज नॉट स्पोर यह हैप्लॉयड बॉडी बन गया और उसके अंदर जो स्पोर्ट्स है फीमेल प्लांट देंगे, देंगे और फिर मेल फीमेल गैमेट डेवलप होगा फिर जाइगोट फॉर्म होगा फिर फिर स्पोरोटिक बॉडी डेवलप करेगा और उसमें स्पोर्ट डेवलप होंगे वो स्पोर भी हैप्लॉयड होंगे तो जाइगोट के बाद जो एमरियो बना उसमें स्पोर मदर सेल से स्पोर मदर सेल ओ भी एस एम सी है स्पोर मदर सेल अंडरगोज मेोसिस डोमेोसिस के बाद वो स्पोर डेवलप करेंगे वो स्पोर हैप्लॉयड होंगे फिर वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट डेवलप करेंगे न्यू प्लांट डेवलप करेंगे और फिर एक ही साइकिल कंटिन्यू होंगे तो ये है इसका स्ट्रक्चर तो स्पोरोगोनियम है इसका नाम उसका स्पोरोगोनियम का फूट सीटा और कैप्स्यूल यहाँ लिवर का स्पोरोगोनियम कंप्रेस्ड होते हैं उसका फूट बहुत ज़्यादा नहीं है सीटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है कैप्सूल बहुत ज़्यादा है लेकिन हम जब स्पैगना में आएंगे हम जो मॉसिस में आएंगे वहाँ पे देखेंगे फूट वेल डेवलप्ड होगा सीटा लंबा होगा और कैप्सूल भी वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और कैप्सूल के बाहर बहुत सारा कवरिंग होंगे यहाँ भी कवरिंग है हमने दिखाया नहीं वो कैलिप्ट्रा बोलते हैं उसको सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स सो स्पोरोफाइटिक बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक बॉडी मेनली द फीमेल बॉडी गैमेटोफाइटिक प्लांट नॉट डिफरेंट स्पोरोफाइटिक बॉडी सो ये पैरासाइट की जैसा है ये यह खाना यहाँ से ऑब्जॉर्व करेंगे और डेवलप करेंगे सो so, ये है इसका बेसिक ट्रेड्स ये उगोना ऊगामस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है मैंने बोल पहले भी बोले हैं ऊगामस टाइप क्योंकि ये जो स्पाम है ये स्पाम यहाँ से एंथरेजॉयड्स निकला और एंथेजॉयड्स जाके कहाँ पे एग में रिलीज किया एग है नॉन मोटाइल और स्पाम है और हिटरोगेटिक है देखने में डिफरेंट है तो इसको उगामस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में पढ़ चुके हैं उगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये उगामस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं सो These are the overall traits of bravides. Thank you.